Hello students, let's see the question. Goblet cells of alimentary canal are modified from squamous epithelial cells, columnar epithelial cells, chondrocytes या फिर compound epithelial cells. Okay, तो goblet cells क्या होते हैं जो कि mucus secrete करते हैं और actually क्या होते हैं कि कुछ ऐसे cells होते हैं हमारे body में कॉलमिनार सेल्स हो सकते हैं या क्यूबॉइडल सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन करने लग जाते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, या तो वो कॉलमिनार सेल्स हो सकते हैं या फिर वो क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स कौन से हैं वो हमें देखना है. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जैसे कि ये सारे कॉलमिनार एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इनका न्यूक्लियस देखो नीचे में है बेसल सरफेस पे. तो ये कॉलमिनार एपिथेलियल सेल्स में कुछ एक सेल्स जो हैं, जैसे कि ये वाला जो मोटू सा हो गया है, सो ये गॉबलेट सेल में तब्दील हो चुका है ना, गॉबलेट सेल में तब्दील हो चुका है, यानी कि दिस इज गोइंग टू सिक्रीट द म्यूकस, बेसिकली ग्लैंडुलर सिक्रीशन करने लगेगा ये, एंड ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है. मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी हो सकता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है एक एग्जाम्पल, बट यहाँ गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंड है. तो इस पिक्चर में आप आराम से देख सकते हैं कि ये कॉलमिनार एपिथेलियल सेल्स है जो कि गॉबलेट सेल्स में तब्दील हो चुके हैं. सो वॉट विल बी द राइट आंसर हियर, कॉलमिनार एपिथेलियल सेल्स. पहला ऑप्शन है स्क्वमस एपिथेलियल सेल्स. तो स्क्वमस होते हैं जो काफी पतले पतले होते हैं ऐसे, ओके तो वो नहीं तब्दील हो रहे क्योंकि इनका तो डिफ्यूजन का फंक्शन होता है, डिफ्यूजन कराने में हेल्प करते क्योंकि काफी पतले होते हैं ना, तो इनको क्रॉस कर देते. कॉन्ड्रोसाइट्स होते कार्टिलेज के सेल्स, तो वो भी नहीं. कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स मतलब जब एक से ज्यादा लेयर रहता है ऐसा थिक सैंडविच टाइप का, तो वो कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स होते, तो वो भी नहीं. सो द राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. सो बेस्ट ऑफ लक.